सर विराट सर विराट सर विराट सर अरे गलत क्या कर रहा है सदा तू सदा पे गलत है अभी मैं भी आगे आएगा देख रहा क्या सीन हो रहा है भाई वो लोग आगे जा रहे हैं अभी देखो अरे विराट भाई और रवि भाई को यहाँ पे आज हम दोनों ही सिर्फ अवार्ड्स और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे तो आई थिंक उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि ये अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑनर्स हो रहे हैं और ये बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ को हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए तो ये बाकी चीज़ों के बारे में बहुत टाइम होता है बात करने का हम लोग इंडिविजुअली भी करते रहते हैं लेकिन आज अगर इस पे फोकस करेंगे तो अच्छा है गुड इवनिंग अनुष्का जी गुड इवनिंग हाउ यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस फाउंडेशन और आपका खुद का भी एनजीओ है ह्यूमैनिटेरियन के लिए आप ग्राउंड्स पे आप काफी काम करते हैं इसके साथ कैसे जुड़ी अगर आप बता दें आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप अपकमिंग टैलेंट को एथलीट्स को जिनमें बहुत हुनर है बहुत कैपेबिलिटी है आप उन्हें एक बैकिंग देते हैं एक सपोर्ट देते हैं स्पेशली ऐसे स्टेज पे देते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एंड आई थिंक विराट ने मुझे बहुत रीजंस दिए हैं टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिम बट दिस हिज फाउंडेशन एंड हिम गिव मी अनदर रीजन टू फील प्राउडर बिकॉज ऑफ द वर्क दैट दे हैव बीन डूइंग अंडर द फाउंडेशन एंड आई थिंक सारे स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं एंड दैट इंक्रीजेज योर स्पोर्टिंग कल्चर एंड यू नो द लव दैट इंडियंस हैव फॉर स्पोर्ट्स एंड इट पुशेज दैट फॉरवर्ड